भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। करसोग में न्यायालय परिसर में तैनात नायब कोर्ट के पद पर कार्यरत महिला पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दो स्थानीय वकीलों के विरुद्ध पुलिस थाना करसोग में पिछले कल एफआईआर दर्ज करवाई है, जिससे करसोग बार एसोसिएशन में भारी रोष है। उन्होंने तुरंत आज सुबह बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई और कोर्ट कार्य प्रस्ताव के माध्यम अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी, जिसकी सूचना करसोग के विभिन्न न्यायालय को कर दी। उसके बाद बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने एसडीएम करसोग सन्नी शर्मा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा और मांग की कि हमारे उपरोक्त दोनों वकीलों के विरुद्ध जो झूठी एफआईआर दर्ज की गई है उसे वापस लिया जाए और नायब कोर्ट के पद कार्यरत उपरोक्त महिला पुलिस को इस पद से तुरंत हटाया जाए, ताकि न्यायालय परिसर में शांति बनी रहे। करसोग न्यायालय में कार्यरत महिला अधिवक्ता रंजना चौहान ने कहा कि हमें इस न्यायालय में कार्य करते हुए 10 से ज्यादा वर्ष हो गए, आज तक कोई भी ऐसी हरकत नहीं हुई, लेकिन इस एफआईआर से मन बहुत दुखी है, क्योंकि अगर पुलिस ही असुरक्षित है तो फिर सुरक्षित कौन होगा, और यहाँ तो कथित घटना स्थल न्यायालय परिसर है जो सरासर झूठ के आधार पर है, जिसका हम विरोध करते हैं। बार एसोसिएशन अध्यक्ष पुष्पेंद्र वर्मा व सीनियर एडवोकेट रमेश कपूर ने कहा कि हम इस घटना का विरोध करते हैं और जल्दी सरकार व पुलिस अधिकारियों से मांग करते हैं कि उपरोक्त एफआईआर वापस ली जाए और नायब कोर्ट को तुरंत न्यायालय परिसर से कहीं और बदला जाए, ताकि हमें कोई और कदम न उठाना पड़े। गौरतलब रही कि उपरोक्त नायब कोर्ट इस साल मार्च तक इसी न्यायालय में थी, उस समय भी ऐसी घटना व शिकायत इस महिला पुलिस ने की थी, लेकिन बार एसोसिएशन करसोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्च पुलिस अधिकारियों से इसे बदलने की मांग की थी और उन्होंने इसे यहां से बदल भी दिया था, लेकिन अब इसे यहां फिर से तैनात कर दिया, जिस कारण ये उपरोक्त घटनाक्रम हुआ। डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने कहा, उपरोक्त नायब कोर्ट के ऑर्डर उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए हैं, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, और जो एफआईआर हुई है वह शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर हुई, जिसकी जांच होगी और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी। तरह की घटनाएं अगर वकीलों के साथ होने लग गई तो आम आदमी को क्या जस्टिस मिलेगा। हालांकि हमें पता है, हम अपने साथी अधिवक्ता को जानते हैं, उनका अनीता जी का हमारे अधिवक्ता के खिलाफ ये इस तरह की एफआईआर दर्ज करना और इस तरह से घिनौनी अपराध में शामिल करना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि हमारी बार आज तक हमारी बार में कभी ऐसा हुआ नहीं है। हमने अगर सोचने की विषय ये है कि अनीता जी खुद पुलिस में हैं, पुलिस में होते हुए उनके साथ इतनी छेड़खानी हो रही है, तो जो हमारे समाज की अन्य महिलाएं हैं उनके साथ क्या होगा। इस तरह की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर वकीलों के साथ ऐसा होने लगा तो आम जनता तो पता नहीं क्या करेगी। हम जो एफआईआर जो दर्ज की हुई है उसका भरपूर विरोध करेंगे और भविष्य में भी करेंगे, जब तक ये एफआईआर वापस ना ले लें और इनको हटाया ना जाए। हाँ जी, इनको परमानेंटली ट्रांसफर ना किया जाए। अच्छा वर्मा जी, आज ये बार एसोसिएशन क्यों इकट्ठी हुई है? पिछले कल दो बार मेंबर है हमारे धर्म डीपी शर्मा और अशोक शर्मा जी के खिलाफ नायब कोर्ट ने जो झूठी एफआईआर की उसके विरोध में हम एसडीएम साहब को आज ज्ञापन सौंपने आए हैं 12 मेंबर के साथ, और हम अपना विरोध जताने आए कि जो घटना हुई नहीं उसके बारे में जो झूठी एफआईआर दर्ज की हुई है उसका विरोध करने के लिए हमने आज
आज एसडीपी साहब को ज्ञापन सौंपा हुआ है। क्या है जी, मामला क्या है? 16 मार्च की घटना है जी, जब एलसी अनीता जी को नायब कोर्ट के पद पर वहाँ नियुक्त किया गया था कोर्ट में, तो उस दौरान की है। मैं एसडीएम के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ एचपी सेक्रेटरी होम को एक रेजोल्यूशन दिया है, जिसका उद्देश्य यह था कि पिछले कल जो एलसी अनीता देवी है, उसने जो है एक हमारे बार मेंबर के खिलाफ जो झूठी एफआईआर दर्ज की है छेड़खानी को लेकर, वो जो है झूठी है, बिल्कुल तथ्यहीन है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। पुलिस ने जो हमारी डीएसपी करसोग है उसकी कनाइवेंस और अन्य जो पुलिस ऑफिशियल उनकी कनाइवेंस से ये झूठी रिपोर्ट दर्ज की है, वो इस उद्देश्य से की है क्योंकि परसों आज से दो दिन पहले की बात है, 17 तारीख की बात है, जो अलसी अनीता है उसको जो उसके खिलाफ हमने एक रेजोल्यूशन दिया था 3 महीने पहले, क्योंकि एक रिफ्ट के चलते जो एपीपी करसोग नवीश भारद्वाज थे पहले और अनीता देवी उनके साथ नायब कोर्ट थी, उन्होंने जो है एक मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन की एक डिस्कशन हुई थी, डिबेट हुई थी उनकी वकील के साथ में, उसको लेकर के उन्होंने एक साजिश के माध्यम से एक वकील हमारे है अशोक जी उसके खिलाफ जो है पहले उन्होंने एक साजिश रची थी और उसको छेड़खानी के मामले में धकेलने की कोशिश की थी, परंतु बाद में इंक्वायरी में ये सामने आया कि वो जो है झूठी रिपोर्ट उन्होंने दर्ज करने की कोशिश की, कंप्लेंट की थी, जो उन्होंने जज साहब के सामने एप्लीकेशन दी थी और फिर बाद में उसने इंक्वायरी में उस माफ़ी मांगी थी और कहा था कि ये मैंने जो है ये गलत कंप्लेंट की थी और उसके तहत की थी, वो जो उनके बीच में रिफ्ट हुई थी और उसको लेकर के हमने एक रेजोल्यूशन दिया था गवर्नमेंट को कि भाई जो अनीता देवी है और साथ में जो नवीश भारद्वाज है उनको जो है करसोग सब डिवीज़न से बिल्कुल बाहर किया जाए, उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाए यहाँ से, और उसको लेकर के फिर नवीश भारद्वाज की यहाँ से उनको भेज दिया था, वो भी कई बार मतलब बार बार उसको भेजते रहे, फिर बार 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 एसोसिएशन के प्रोटेस्ट करने के बाद उसको वहाँ यहाँ से करसोग से बिल्कुल ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद अनीता देवी भी काफ़ी समय तक, मार्च के बाद अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त महीने तक बिल्कुल भी वो उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था कोर्ट को लेकर के, फिर बाद में जब हमारे जज साहब की ट्रांसफ़र हो गई है करसोग से और नए जज साहब यहाँ पर पोस्ट हुए हैं, तब जो है अनीता देवी ने न जाने किस माध्यम से द्वारा जो है अपनी एडजस्ट ट्रांसफ़र जो है वहाँ कोर्ट के लिए कर दी थी। पहले उनका टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट हुई थी एसडीपी ऑफिस में, करसोग एसडीपीओ के ऑफिस में, और अब जो द्वारा उन्होंने जो है वहाँ पर अपनी ट्रांसफ़र करवा दी थी। अब क्या चाहते हैं एडजस्टमेंट क्या चाहती है? और बार एसोसिएशन ये चाहती है कि एक तो उनकी परमानेंट ट्रांसफ़र की जाए यहाँ करसोग से, क्योंकि वकीलों को ये अंदेशा है कि वो किस तरह की जो है मतलब साजिश जो है रच सकते हैं कभी भी, और वकीलों को दिक्कत है, और जो FIR हुई है जो वो झूठी है, बिल्कुल तथ्यहीन है और उसकी जो क्वेश्चन की जाए, और जो बार एसोसिएशन ने शुरू में रेजोल्यूशन दिया था इनके ट्रांसफ़र के लेकर उसको जो है कम्प्लीटली अमली जमा पहनाया जाए, और कोर्ट परिसर में अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेगी तो इसमें जो है सभी को दिक्कत आती है और न्याय आम लोगों को न्याय मिलने में भी समस्या आती है, उसमें आम लोग तो सफ़र होंगे ही होंगे और उसके साथ साथ वकीलों को भी टेंशन होती है और जो करने वाले हैं उनको भी टेंशन होगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए करसोग से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्या IAS अकेडमी राजा का तालाब। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सूर्य स्टील फैक्ट्री देहरी कॉलेज रोड ढसोली। यहां पर मकान व शेड पर डालने वाली रंगदार चादरें बनाई जाती हैं। स्कीयर पाइप व एंगल डीलर अंबुजा सीमेंट बसरिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816055467 पर।